जब तक इसके ऊपर बबल आए सारे, बस उस वक्त हमने इसको उल्टा देना है। चलें जी, ये देखें ऐसे, अब इसको ऐसे करें। और हम इसको रखते हैं इधर। ये देखें जी कितने जबरदस्त नान बने हैं। आज हम बनाएंगे फ्लैट ब्रेड कह लें या नान ब्रेड कह लें, उसके लिए जो मैं यूज कर रही हूँ वो ये वाला मैदा यूज कर रही हूँ। और उसके लिए हमें चाहिए होगा दूध और योगर्ट थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैं लूंगी बेकिंग पाउडर, ये इस तरह से, ठीक है? ये हम इसमें यूज करेंगे और थोड़े से कलवंजी सीड रेसिपी देती हूँ, तो चलें शुरू करते हैं। ये जी मैं बना रही हूँ यहाँ पर नान। 600 ग्राम हमने लिया फ्लावर, 2 टेबलस्पून योगर्ट, 1/2 टीस्पून कलवंजी, 1/2 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर। बस ऐ सारा कुछ ये पा के, ते थोड़ा जा मेरे को प्या सी जड़ा कल वाले वो चो बचा सी ना, बटर ते धनिया ते क्रश चिलीज जो मैं मिक्स किया नान ते लाने वास्ते, वो भी थोड़ा मैं पा के, तो इसको फिर मैंने दूध के साथ बहुत अच्छी तरह से गून लिया था। और ये हमारा ज़बरदस्त सा जो है ना, ये देखें तैयार हो गया था नान का आटा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बनाएंगे हलीम। मेरा फोन का स्टैंड भी टूट गया, भज गया, तो पता नहीं हूँ। बहरहाल ये मीट इसको मेरे हस्बैंड ने इतना टाइम लगा के साफ किया, इतना टाइम लगा के साफ किया, और इसकी मैं हलीम बनाऊंगी आज, और साथ मैंने नान बनाए हुए हैं वो हम बनाएंगे, और ये इसके साथ बनाएंगे हम ऐसे। आए हाय, बस बहुत ही पै गया। थोड़ा सा तेल मैंने इसमें रहने दिया, बाकी मैंने सारा निकाल दिया, ये देखें सारा निकाल दिया, क्योंकि ना इन्ना तेल खा के मरना नहीं, और भी बड़ा कुछ खाना। ये मैं हलीम बना दूंगी, बोनलेस है, छोटा छोटा है बीच में। ये जिंजर गार्लिक मैंने किया था, ये सारा मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको मैं डालूंगी अब प्रेशर कुकर में, अभी बाहर जाना है बस जल्दी से। ये देखें ये गोश्त को मैंने इस तरह से, इसको थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर दिया, और इसको इसमें डाल के अभी प्रेशर लगाऊंगी। ये ने अपना रोला पाया, पहले मैंने कहा मैं इसका ना हलीम बना लेती हूँ, कुर्बानी का गोश्त है हलीम पर, फिर वो ना कोई पीस छोटा बड़ा हड्डियां इस तरह कटी हुई है, मैं क्या फिर मैं इसका ना मैं वही बनाती हूँ कढ़ाई, इसकी हम बनाएंगे कढ़ाई। ये देखें ऐसे, और कल का नान का पड़ा हुआ आटा नाल मैं बना लेने ने नान, ये ले, ठीक है? ये रहा प्रेशर कुकर, ये प्रेशर कुकर है, इसमें अब मैं डाल के रखने लगी हूँ इसको ऐसे, ठीक है? ये अब जब गलेगा फिर मैं यहाँ रख के तो इसको बनाऊंगी। इसको मैं लगाने लगी हूँ प्रेशर कुकर, सेटिंग हम इसके ऊपर लगाएंगे, मैं इसके ऊपर बीफ की सेटिंग लगाऊंगी, क्योंकि ये जो मीट है ना इसने टाइम बड़ा लेना है गलने के लिए। वैसे अगर मैं चाहती तो मैं इसमें ये जो हलीम शान मिक्स का है ना, कोरमे वाला मैं इसमें ऐड कर सकती थी। कोरमे वाला ऐड करा इधर, कोरमे वाला है, वैसे तो मैंने भून ही लिया, जैसे बाद चो फिर जो होया तो भी पा लाऊंगी। लो लास्ट मिनट पे प्लान चेंज, मैं देख लू इसमें कोई कीड़े शीड़े ना हो, क्योंकि ना ये गर्मी में ये वाले जो मसाले हैं ना, ये जो पड़े रहते हैं इनमें कीड़े तो पता नहीं की बन जाते हैं इन्होंने। तो ये बेसिकली कोरमे का मसाला है, हमने नहीं भी कुछ बनाना ना, हलीम नहीं भी बनानी, तो इसमें कोरमा बड़ा जबरदस्त बनता है, ठीक है? इसको मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, आपको दिखाऊं नजदीक से।
देखें ये इसमें मैंने डाल देना ऐसे, इसको भून लेना है अच्छी तरह से सारे मसाले। ये मैंने डाल दिया इसमें, अब मैं इसको बंद कर रही हूँ और ये ऑलरेडी ऑन है इसके ऊपर, तो ये पक जाएगा खुद ही। ये देखें जी हमारा कोरमा कितना अच्छा बना है, बड़ा अच्छा गल गया। ये लें जी, अब मैं इसमें उलटाती हूँ, हेलो इसकी करूँ आग तेज। देखें इसमें मैं फ्राइड अनियन डालूंगी, थोड़ा जहा अभी गाढ़ा करेंगे। ये देखें बस इतना, ऐसे ही बना के खाएंगे नान के साथ। ऑयल मैंने इसमें नहीं डालना क्योंकि मैं पहले ही थोड़ा जहा ऑयल पा के भुन लिया सी, पर इसने अपना भी ऑयल छोड़ा है, आपको नजर आ रही है ये ग्रेवी श्रेवी ये उत्ते, तो होर असी नहीं ये पाना। बस पता मैं लास्ट मिनट ते प्लान चेंज किया क्योंकि मैं लगा क्या बूटियां हलीम वालियां नहीं, क्योंकि ये जो है ना उसके लिए जरा बड़ी बड़ी चाहिए, ऐ इंजी खाण वाला। ये देखिए अभी इसमें ऐड करेंगे दही, ये मैंने दही डाल दिया, ये देखिए नमक थोड़ा ज्यादा क्योंकि मसाला उन्होंने जाहिर है हलीम के हिसाब न पाया उसी विच, लेकिन हमारा भी गोश्त ज्यादा था और इसमें हमने डाल दिया है दही। और अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डालूंगी काली मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी, पेपर थोड़ी सी इसके ऊपर, बस इसके ऊपर मैं डालती हूँ धनिया और अदरक। नाम के साथ खानी है, है? खाली नाइस बनी है। किधर जा रहे हैं? हाँ बर्तन आते ही नहीं कोई धोने के लिए, बर्तन मैं जो हूँ यहाँ सारे कामों के लिए, खाना पकेगा ट्रे में लगेगा हमारे सामने आ जाएगा, शहजादे हैं सारे इधर, मैं आई हूँ कनीज, कनीज रोटियां बेल रही है, वो तो मैं खुद ही शहजादी बनी रहती हूँ, इन्होंने तो कोई हाल नहीं छड़िया, अपनी हिम्मत ही जे तुसी अपना मुंह सिर सवार लो। मां मां इनू किड्डी समझ आई है, व्हाट आर टॉकिंग अबाउट, इधर आ तेन मैं दसा टॉकिंग अबाउट, इधर आ हबीबी। अच्छा अच्छा ये इधर इधर हट जरा। अच्छा ये मैंने इसके ऊपर पानी लगा के रखा हुआ था, इसको मैं इसके ऊपर चमोड़ दूंगी, चिमड़ गया इसके ऊपर। You're going to sweat it on the pan. अभी आपको दिखाएंगे हम नजदीक से, बस मैं भी उनको को ले आए और नान, मेरे को इतना ही बस आटा सी नान वाला। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे वीरों ते वीरियों, आपका देख कैसी गुजारी है? तुझे मैं बताती हूँ कैसे गुजारी है, पहले फोन करो नानु। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी दोस्तों, आपका दिन कैसी जाग रही है? मैं दिन बहुत अच्छा खूबसूरत दे जाग रही। अच्छा, अच्छा, पीछे हो जा, तेरा दिन खूबसूरत। ये देखे कितना फूला है, इतना फूला। वाओ, हम इसको उल्टाएंगे, बस असी उल्टा उल्टा के ये नू मुक जाना है, काम एडे एडे औखे कर लेने ना शुरू, पूछो कुछ ना। आज हम गए थे उसके ऊपर यानी को लेके फ्लाइट के ऊपर, तोबा तोबा है इन्ना। ओए माशाल्लाह ये देखे नान, माशाल्लाह हबीबी हबीबी ठहर जाती तेरे वर्गिया हबीबिया दो चार और ना ते बस हबीबी पूरी हो गए।
हबीबी पूरी हुई हो, एहो जे दो चार हबीबियां और होते। तो ये देखिए जबरदस्त नान हमने बनाया है और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे। थोड़ा सा और साइडों से करूं भाई, ऐ इसका मैं आपको रेसिपी दूंगी अभी, आपको मिल जाएगी रेसिपी पीछे, पर बहुत ही इजी रेसिपी है। यानी फ्रिज में से मक्खन दो मुझे, बटर बटर ले आप, बटर और ये बड़ा बटर इधर इधर इधर, ये बटर इसके ऊपर मैं लगाऊंगी ऐसे। ये मैं आपको इधर से दिखाती हूँ, अब इसका मजा इधर से देखने में। देखे नान हवा निकल गई इसकी, पर बड़ा ही जबरदस्त बना है। ये देखे आज मेरा पोना किधर गया, पोना जिसमें रोटियां थी कल। ये बिल्कुल तंदूर की तरह लगा, ऐसे थापड़ देना इसके ऊपर। आज बस यही बना है, क्योंकि आज बस यही बना है। बस ये तवा पहले ही गर्म था, अब मैं डाल दूंगी ऐसे उल्टा। कैसे फूल गया, बटर लगा लें या ऐसे ही इसको बना लें। आन हो गया जबरदस्त किस्म का तैयार, और थोड़ा सा लगाएंगे हम बटर इसके ऊपर गिरा। ये देखें पीछे से कितना जबरदस्त बना। अब यहाँ से और हम इसको रखते हैं इधर। लो जी हमारा डिनर हो गया तैयार, और आप भी ये वाले नान ट्राई करना। बनाई थे मैं फ्लैट ब्रेड सी, पर ये टर्न आउट नान हो गए बड़े वधिया। और एदी मैं हलीम बनानी सी, एदा फरे बन गया, एदा बन गया कि कहते ने उनू कोरमा कह लो, या बड़ा ही मज़ेदार बना, भुना हुआ गोश्त बड़ा ज़बरदस्त बन गया। तो बस सब अब डाल रहे हैं तो खा रहे हैं। बस खाने के टाइम तो सारे लभ जाते हैं, उंज कोई नहीं लभदा जो कम हों ना, उस सारी कौम वगैरह जरूरी होंगी है। बादशाह के सल्तनत में कोई नहीं होता, सारे भागे होते हैं सिवाए बादशाह के। तो बस वो बादशाह उस वक़्त किचन में खाने बना रहा होता है, आवाम सारी भाग गई होती है। आवाम उस वक़्त आ जाती है जब खाना तैयार हो जाता है। तो देखें सब बैठे हैं खा रहे हैं, और बड़ा ही मज़ेदार बना था। आप नान की रेसिपी ट्राई करना और मुझे बताना। ये था जी आज का व्लॉग, और आपने देखा नान बड़े अच्छे बने। रेसिपी कल आपके पास आ जाएगी, और लैम भी बड़ा अच्छा बना। शायद कल इसकी मैं हलीम बना दूँ, क्योंकि नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मैंने वो सारे पैकेट डाल दिया था। ठीक है, तब तक आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।